शिव शंकर जय महादेव। हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेंड ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेंड ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा, तो फ्रेंड्स इस तरह के स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हो तो फ्रेंड्स पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इस एडिटिंग के लिए जो भी मटेरियल का यूज़ हुआ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद चलेंगे फोन के स्क्रीन पर, ओपन करेंगे काइनमास्टर एप्लीकेशन को और एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। तो दोस्तों, एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। फ्रेंड्स चलते फोन का स्क्रीन को, ओपन करेंगे काइनमास्टर एप्लीकेशन को। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ क्रिएट न्यू का जो ऑप्शन आ रहा है तो इस पर सिंपली टाइप कीजिएगा। टाइप करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे रेसियो आ जाएंगे, तो इसमें 916 वाला रेसियो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको डाउनलोड में चले जाना है। ऑफ्रेंस डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड वाली इमेज जो मैंने आपको दिया तो उसे ले लीजिएगा। उससे पहले ये जो सेटिंग का ऑप्शन देख रहे हैं इस पर क्लिक करके एडिटिंग में जाकर इसे फिल स्क्रीन कर लीजिए और यहाँ से बैक आ जाइए। तो इससे होगा कि आप जो बैकग्राउंड लेंगे तो पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे स्क्रीन के आप आ गया। अब इसे स्क्रॉल करके आप उतना बड़ा कर लीजिएगा जितना टाइम का आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। स्टार्टिंग में आइएगा, राइट क्लिक कर लीजिएगा, इसके बाद लेयर्स पर क्लिक कीजिए, मीडियम देगा फ्रेंड्स। मीडियम देने के बाद यहाँ पे एक बैकग्राउंड वीडियो भी आपको लेना है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। तो फ्रेंड्स इस वाली वीडियो को आप ले लीजिए, यह वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जितना बड़ा वीडियो हो उसी के बराबर में ऊपर वाले बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए, ट्रिम पर क्लिक करके ट्रम राइट अप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा। अब इसके बराबर में आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, क्रॉपिंग में जाना। क्रॉपिंग में जाने के बाद इसे मास्क को ऑन कर देना है और इसे इस तरह से आगे की तरफ बढ़ा देना है, तो ये हल्का सा धुंधला धुंधला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लर टाइप का इसका बॉर्डर जो है चारों तरफ से। अब इसे इस तरह से जूम कर लीजिएगा, यहाँ पर सेट कीजिएगा, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, इस तरह से यहाँ पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये ज़्यादा जूम हो गया तो थोड़ा छोटा करते हैं। इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि यहाँ पे जो पत्थर दिख रहा है इस पत्थर के बराबर में एकदम से इस तरह से आ जाए, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे। तो ये आ चुका है। अब इसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे आपको अल्फा ओपेसिटी का ऑप्शन आएगा, तो इसे सेलेक्ट कीजिए और इसे इस तरह से जूम आउट कर दीजिएगा, मतलब यहाँ पे कम कर दीजिएगा इसे अल्फा को, और राइट क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी क्रिएटिव लगता है। अब स्टार्टिंग में आइएगा, स्टार्टिंग में लेयर्स पर क्लिक कीजिएगा, मीडियम जाइए ऑफेंस। मीडियम जाने के बाद यहाँ पे आपको अपनी PNG लेनी है। तो फ्रेंड्स अगर PNG बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपना मॉडल PNG जो भी लेंगे तो कुछ इस तरह से बैठ कर आप ले लीजिएगा, जैसे कहीं पर बैठे होते हैं पत्थर पर या दीवार पर, तो उस तरह का फोटो क्लिक कीजिएगा और उसी को ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इसे ले लेता हूँ, लेने के बाद फ्रेंड्स इसे हल्का सा जूम करेंगे और ये पत्थर काफ़ी बड़ा है, अगर मैं इस पर इसे बैठाता हूँ तो पैर हवा में ही रह जाता है, तो इसलिए इसे एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि लगे जैसे कि नीचे में बैठा हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से हो गया। अब इसे एडजस्ट करके स्क्रॉल करके आगे तक लेकर आ जाएंगे तो देख सकते हैं, और राइट क्लिक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ लेयर्स पर क्लिक कीजिए, लेयर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको मीडिया में क्लिक कर ले। मीडिया में क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स मैंने एक PNG आपको दिया त्रिशूल वाला, तो उसे ले लीजिएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने इसे ले लिया, लेने के बाद फ्रेंड्स इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे इस तरह से और रोटेट कर लेंगे इस साइड में, ठीक है। रोटेट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इस साइड में रखिएगा और इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, इसे इतना पे रख लेते हैं, ठीक है, इतना पे। ऑप्शन से यहाँ डिलीट बटन के ऊपर जो की का ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कीजिएगा, इसके लास्ट में आ जाइए इतना पे, और यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा। प्लस करने के बाद फ्रेंड्स इसे स्क्रॉल करके आपको आगे की तरफ ले लेना है, तो इसे मैं आगे थोड़ा ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसे सीधा करके रखिएगा और पूरा इस पार में जाने दीजिएगा, ठीक है। अब राइट क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब जब ये प्ले होगा तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे त्रिशूल आएगा इस साइड से और दूसरी साइड को चला जाएगा। तो अभी ऊपर से जा रहा है तो थ्री डॉट पे इस पर क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कर लीजिएगा और इसे सेंड बैकवर्ड कर दीजिएगा। तो इमेज मॉडल इमेज जो है उसको अंदर से यहाँ पे इस तरह से जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ऊपर जो बैकग्राउंड वाला वीडियो लिए थे उसे थोड़ा बाद में लीजिएगा इस तरह से, तो यहाँ से आएगा, पहले वीडियो शुरू होगा और इसके बाद यहाँ पे ये वाला वीडियो आना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया तो इसे भी हम बैकग्राउंड को बड़ा कर लेंगे, तो इससे हमारी वीडियो थोड़ी और से भी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि थोड़ा और बड़ा हो गया, ये कम्प्लीट है। अब इसमें राइट क्लिक कर लीजिए, राइट क्लिक लेयर्स पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे स्टिकर पर क्लिक कीजिए, स्टिकर पर क्लिक करने के वाले बॉक्स पर क्लिक कीजिए। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स माई SDS फॉग का ऑप्शन आता है, इसे सेलेक्ट कीजिए, इसका दूसरा नंबर वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा।
कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो इसे लेकर यहाँ पे लगा लीजिएगा नीचे की तरफ पूरे स्क्रीन के बराबर में करके, और इसे जूम करके यहाँ लास्ट तक कर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट तक करने के बाद फ्रेंड्स इसमें एक और काम कर लीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा और जब यहाँ पे फॉग खत्म हो जाता है तो ट्रिमर पे जाइएगा और यहाँ पे स्प्लिट कर लीजिए तो फिर से नेक्स्ट फॉग आ जाएगा। यहाँ पे फिर से खत्म होगा, फिर से आपको कर देना है, फिर से खत्म होगा, फिर से कर देना है, फिर से खत्म होगा, फिर से स्प्लिट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे फिर से ये खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे कर देते हैं और ये रहा कंप्लीट। अब राइट क्लिक कर लीजिएगा तो देख सकते हो कुछ इस तरह से नीचे में इंटरफेस आएगा। अब लेयर्स पर क्लिक कीजिए, स्टिकर में जाइएगा, स्टिकर में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इस टाइप के काफ़ी सारे पार्टिकल्स मिल जाएंगे, तो आपको कोई भी ले लेना है जो आपको सही लगे। तो यहाँ पे जो आप लेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो देख लीजिएगा कौन सा ही लग रहा है। तो इसमें नहीं, इसमें से मैं एक ठू ले लेता हूँ, ये वाला या फिर ये वाला मैं ले लेता हूँ। ठीक है, और राइट क्लिक कीजिएगा, इसे लेकर यहाँ लास्ट तक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स इसे पैर के पास में इस तरह से रख लीजिए, थोड़ा जूम करके मैं रख देता हूँ यहाँ पे इस तरह से रख लीजिएगा। और इसे भी आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके सेंड बैकवर्ड कर देना है, एक बार फिर से आपको करना होगा सेंड बैकवर्ड। तो ये पैर के नीचे अभी भी नहीं चला गया, यहाँ पे देख सकते हो पैर के अंदर चला गया, बस मॉडल के अंदर करना था इसे। तो अब देख सकते हैं ये प्ले करके आप देखिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से एडिट होकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे सॉन्ग लगाना है तो अपने अपने मनपसंद सॉन्ग को लगा सकते हैं, या फिर मैंने जो यहाँ पे यूज़ किया उसे आप लेना चाहे तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे एमबीट एप्लीकेशन की मदद से लिया था। तो फ्रेंड्स इसे लेने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक कर दीजिए और फ्रेंड्स यहाँ से इसे डिलीट कर दीजिए वीडियो को। तो ऑडियो यहाँ पर आ गया और वीडियो डिले तो सेम यहाँ पर देख सकते 28 सेकेंड का और थोड़ा ही कम है मेरा। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। अगर यहाँ पे आप कोई बॉर्डर लगाना चाहे तो लेयर्स पर क्लिक करके मीडियम जाइए, मीडियम जाने के बाद बॉर्डर आपके पास हो तो आप सिंपली लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, तो उसकी मदद से ले लीजिए, इसे फुल स्क्रीन कीजिए और इसे स्क्रॉल करके लास्ट तक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ पे प्ले कीजिएगा तो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी तरह से आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो बनकर तैयार हो चुका है, आप सिंपली इसे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर जो एरो देख सकते हैं इस पर क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक कीजिए, तो ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे आइकन दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।